Hi everyone, welcome back to my channel. I am Anurag and I'm a third year law student at National Law University Delhi. In today's video, we'll be talking about the CLAT counseling procedure, specifically with respect to the CLAT 2023. अब इतना सब कुछ हो गया है, CLAT में इधर ड्रामा है, ये है, सब कुछ है, बट इसके बाद अभी जो काउंसलिंग का 10 पेज का डॉक्यूमेंट आया है, ये थोड़ा सा तुम लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, स्पेशली टू दोज हु हैव नॉट टेकन पार्ट इन काउंसलिंग इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर्स. ठीक है, तो अभी समझ नहीं आ रहा होगा फ्लोट क्या है, फ्रीज क्या है, क्या फीस आ गई है, कैसा आ गया है, कैसा कैलेंडर है. तो मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो के थ्रू मैं थोड़ा सबको सिंप्लीफाई कर सकूं, बट मैं एक चीज़ जरूर कहूंगा, द वीडियो दैट आई एम मेकिंग इज बेस्ड ऑन माई इन्फॉर्मेशन, माई इंटरप्रिटेशन ऑफ द 10 पेज डॉक्यूमेंट. बट इन केस अगर कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो, कहीं पे भी क्लैरिटी चाहिए हो, तो प्लीज़ रेफर टू द ओरिजिनल 10 पेज डॉक्यूमेंट ओनली. यू कैन visit the CLAT consortium website and you'll get the counseling procedure ka pura detailed guide. It's a 10 page document. ठीक है, तो उसको अच्छे से देख लेना. And also when I'm talking about the calendar, when I'm talking about specific dates, I'm just talking about the dates. तो उसमें उनमें भी उन्होंने अलग अलग टाइम रेफर किया है, कहीं पे 6 PM है डेडलाइन, कहीं पे 10 AM है, तो कुछ भी है ना, वो सबको प्लीज एक बार डॉक्यूमेंट को रेफर कर लेना. द पर्पज ऑफ दिस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज नॉट टू यू नो एज सच सब्सटीट्यूट द प्लानर, बट टू मेक इट यू नो लिटिल मोर सिंप्लीफाइड फॉर यू टू एबल टू अंडरस्टैंड दैट 10 पेज डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब हमें समझना क्या है, हमें समझने हैं पहले 2-3 टर्म्स जो वहाँ पे बहुत यूज हो रहे हैं. एक हमारा फ्रीज, एक हमारा फ्लोट, एक हमारा एग्जिट. एग्जिट मतलब ठीक है, मेरे को कॉलेज मिला, भाई मेरे को नहीं चाहिए, मेरा हो गया, मैं रफा दफा करता हूँ, आई एम गोइंग बाय. ठीक है, फ्रीज मतलब, फ्रीज मतलब मेरे को आपने ये कॉलेज दिया एक्स वाई जेड, मान ली मेरे को आपने नालसार दिया. अब मेरी प्रेफरेंस है, मेरे से ऊपर NLS भी था, भाई ठीक है मेरे को नालसार चाहिए, मेरा हो गया, मैंने फ्रीज कर दिया, मैंने कहा ठीक है यहीं पे रफा दफा करते हैं, जो कॉलेज आपने मेरे को फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में दिया मेरा यहाँ हो गया, मेरे को आगे नहीं चाहिए. ठीक है, मान लो आपने मेरे को NUJS दिया और मेरे को नालसार और NLS चाहिए भी, जो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में मेरे से ऊपर डाल रखे मैंने. ठीक है, वट मैटर्स इज कि तुमने प्रेफरेंस लिस्ट सही से भर के, जो तुम्हारी ऊपर प्रेफरेंस का कॉलेज है वो तुमने भर रखा था. अब ऐसा नहीं कि तुमने फर्स्ट प्रेफरेंस पे RML भर रखा था और तुम कहे नहीं यार मेरी तो अच्छी रैंक आ गई है, मेरे को NLS जाना है तो मैं फ्लोट करूंगा. नहीं, वो तुमको तुम्हारा बेस्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, उससे ऊपर तुम्हें कुछ नहीं दे सकते. तुम्हें RML मिल गया तो फिर तुम वहीं से बाय बाय हो जाओगे. ठीक है, बट ठीक है, टॉकिंग अबाउट दिस सिंपल सिनेरियो, अगर तुम्हें NUJS मिला हुआ है और तुम्हें NLS या नालसार चाहिए, तो तुम क्या करोगे, फ्लोट करोगे कि आई वॉन्ट टू गो फर्दर इन टू दिस काउंसलिंग प्रोसीजर. अगर NLS और नालसार में सीट खाली होती है तो प्लीज मेरे को कंसीडर कर लेना. ठीक है, दैट इज द फ्लोट बटन. अब फीस किस तरह से है, एक चीज मेरे को जो पर्सनली लगी थी कि अभी ये क्लैट अगर दिसंबर में करा ले रहे तो मेरे को लगा था जनवरी फरवरी में खत्म हो जाएगा, मार्च में वैकेंसी सीट्स आ जाएंगी, बट इन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड राउंड के काउंसलिंग को इतना एक्सटेंड कर दिया है कि वो पूरा का पूरा प्रोसीजर जाके जून में ही खत्म हो रहा है. तो वैकेंसी सीट्स आनी अब जून या जुलाई में ही है. ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अजीब ही हो गया है, क्या कहें, मतलब ठीक है, बट आई सी द रीजन वाई दे हैव डन इट. आई थिंक पर्सनली द रीजन फॉर डूइंग दिस इज टू अलाउ पीपल a little bit of time to gather that particular amount that needs to be submitted for NLUs. Fees बहुत ज़्यादा होती है और हर किसी के पास वो means नहीं होते उसको afford करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने बहुत extended timeline May 20 तक का time दिया है कि first और second round में अगर आपको college मिल गया है जो आपको पसंद है और आप freeze करना चाहते हो, आप उसकी fees दे सकते हो. ठीक है, अब हमें float समझ आ गया, freeze समझ आ गया, exit समझ आ गया. Simply float मतलब मेरे को अभी आगे counseling में जाना है, मेरे को higher preference का NLU चाहिए. फ्रीज मतलब मेरे को जो मिल गया आप वहीं पे खत्म कर दो. ठीक है, एग्जिट मतलब मेरे को नहीं चाहिए, भाई मेरा हो गया टाटा भाई, ना मेरे को फ्लोट करना है, ना मेरे को ये फ्रीज करना है, मेरा खत्म हो गया, मेरे को यहाँ से निकाल दो, मेरी काउंसलिंग फीस मेरे को दे दो. अब इन्होंने फीस ली है, फीस क्या है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो काउंसलिंग फीस आपकी है 30,000. अगर आप किसी और कैटेगरी से हो, OBC SC ST बैकवर्ड क्लास EWS या PWD हो, तो इस तरह की कैटेगरीज का स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट में लिख रखा है कि 20,000 आपकी काउंसलिंग फीस रहेगी. ठीक है, अब ये फीस हो गई आपकी काउंसलिंग की. उसके बाद आपकी सेकंड स्टेज की फीस आती है कंफर्मेशन फीस. अभी अब मैं थोड़ा सा जो आपको एग्जांपल्स वगैरह दूंगा मैं जनरल कैंडिडेट के हिसाब से ही बता रहा हूँ. ठीक है, अब मान लो फर्स्ट लिस्ट में आपको कोई कॉलेज ऑफर होता है. अब आपको जब कोई कॉलेज ऑफर होगा तो मैं आपको थोड़ा सा कैलेंडर को ही रेफर कर लेता हूँ साथ साथ. आई एम रेफरिंग टू द डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया, तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार डॉक्यूमेंट को पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. इससे मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं वैसे. ठीक है, तो अगर हम पेज नंबर 8 पे देखते हैं तो हमारा अभी जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा वो होगा दिसंबर 28 को हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा. तो मतलब रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है जब मैं इस टाइम वीडियो को बना रहा हूँ.
और ये 12 जनवरी 2023 6 PM तक चलेगा। टाइम को बहुत अच्छे से देखना, डेट्स में भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने 11:59 PM तक दिया है, उन्होंने 6 PM तक ही दिया है, और वो कहीं पे 6 PM है, कहीं पे 10:30 AM है, तो टाइम का बहुत बहुत ध्यान देना, क्योंकि एक बार डेडलाइन पास हो जाती है तो वो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे, तुम कितनी भी रिक्वेस्ट करना नहीं करेंगे, तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। अब अपनी फर्स्ट लिस्ट आने वाली है जनवरी 18 को, ठीक है। अब मान लो मेरे को फर्स्ट लिस्ट में फॉर एग्जांपल एनएलआईयू भोपाल मिल गया, अब एनएलआईयू भोपाल में ऐसा हो सकता है मेरे को तो फ्रीज करना है, ठीक है। मेरे को फर्स्ट लिस्ट में एनएलआईयू भोपाल मिला, मेरे को भोपाल ही जाना था, मैंने अपना फ्रीज किया, अब वो मेरे से क्या बोलेंगे कि आप इधर आप 18 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में कन्फर्मेशन फीस दे दीजिए, कन्फर्मेशन फीस इज 20,000 रुपीज, ठीक है। अगर कहीं पे भी कुछ मैं अगर थोड़ा बहुत गलत कर दूँ तो प्लीज डॉक्यूमेंट को रेफर करना, ठीक है। बट द कन्फर्मेशन फीस इज 20,000, बट मेक श्योर वन थिंग, कन्फर्मेशन फीस जो आपकी है ना वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। आप किसी भी स्टेज पर अब इसके बाद एग्जिट करते हो या कुछ भी करते हो, आपकी कन्फर्मेशन फीस वापस नहीं आने वाली है। ऑल दैट यू आर गोइंग टू गेट एट बेस्ट इज द काउंसलिंग फीस। रिफंड को मैं थोड़ा सा अभी बाद में भी डिस्कस करूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे रिफंड आने वाला है, किस केस में कितना रिफंड आएगा, कैसे कैसे सिनेरियोस है, ठीक है। अब मेरे को भोपाल मिला, मैंने फ्रीज कर दिया फर्स्ट लिस्ट में, अब सेकंड लिस्ट में मेरे को वो कंसीडर ही नहीं करेंगे अपग्रेड के लिए, मेरे बाद वालों को करते रहेंगे अगर वो पॉसिबल होगा तो, ठीक है। अब पहली लिस्ट आ गई आपकी, उसके बाद आपकी आएगी सेकंड लिस्ट, ठीक है। सेकंड लिस्ट आपकी आएगी 27 जनवरी को, अब मेरे को तो भोपाल मिल गया, मेरे को वो भोपाल में ही डाले रखेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, दो लिस्ट आपके कंसीडर हो गए, मेरे को मई 2023 तक, मतलब 20th मई तक मेरे को 11:59 PM तक जो मेरी बची हुई फीस है वो पे करने का मौका मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एनएलआईयू भोपाल की फीस, आई एम जस्ट गिविंग एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, कि मान लेते हैं कि एनएलआईयू भोपाल की फीस 2 लाख रुपए है, अब मैंने 30,000 रुपए एज ए जनरल कैंडिडेट काउंसलिंग में दिया, 20,000 मैंने कन्फर्मेशन दिया, तो मैं 50,000 पे कर चुका हूँ, तो मेरे को बचा हुआ जो 1.5 लाख रुपए है वो मेरे को 20th मई तक उनको पे करना है, इनकेस आई चोजन टू फ्रीज माई सीट इन द फर्स्ट और द सेकेंड राउंड, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को फर्स्ट राउंड में भोपाल मिला और भाई मेरे को तो फ्लोट करना था, मेरे को तो ऊपर वाली प्रेफरेंस चाहिए थी, मैंने किया, मैं ऊपर वाली रैंक्स में था, मेरे को सेकंड ही लिस्ट में, बहुत रेयरली होता है, बट अगर मैं मान लो भोपाल के ही ऊपर टॉप रैंकर्स में था जो वहाँ सेलेक्ट हुआ है, मैंने किया, मेरे को सेकंड लिस्ट में NUJS मिल गया। अब मैंने कहा कि भाई मेरे को NLS और NALSAR जाना ही नहीं है, तो मैं NUJS पे फ्रीज करता हूँ, मैंने NUJS पे फ्रीज किया, उस केस में भी सेम सिनेरियो होगा, मैंने सेकंड लिस्ट में फ्रीज कर लिया है, अब मेरी जो कन्फर्मेशन फीस और काउंसलिंग फीस जो मैं पे कर चुका हूँ, ठीक है, उसके बाद जो बची हुई मेरी फीस है वो मेरे को पे करनी है वहाँ पे, ठीक है। ये केस हो जाएगा आपका फ्रीज का। अब मान लो आप करते हो फ्लोट, आपने फर्स्ट लिस्ट में फ्लोट किया तो आपको कन्फर्मेशन फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने कहा कि मेरे को भाई भोपाल मिला, मेरे को तो अभी फ्लोट करना है, ठीक है, मैंने 30,000 काउंसलिंग फीस दे दी है, 20,000 मैं अब कन्फर्मेशन फीस दूंगा कि भाई मैं प्रोसेस में आना चाहता हूँ, मेरे को कॉलेज चाहिए, कहने का मतलब उनका ये है कि भाई आप उनका फालतू का टाइम मत खाली पीली करो, ठीक है, और उनको जो कन्फर्मेशन है कि एक तरह से कन्फर्मेशन दे दो कि 20,000 रुपये दे के, मतलब ये इंटरेस्टेड है इंसान इसमें आने के लिए प्रोसेस में, ठीक है, तो अब मैं उसको 20,000 रुपीज़ वहाँ पर दे दूंगा और अब मैं फ्लोट का ऑप्शन एक्सरसाइज कर पाऊंगा, ठीक है। मान लो मेरे को सेकंड लिस्ट में भी भोपाल नहीं मिला, अब दो लिस्ट हो गई, अब मेरे को रुकना पड़ेगा मई तक, अब ये थोड़ा सा बहुत एक्सटेंडेड प्रोसेस हो गया, 5 महीने वेट करो ये सब करो, बट ठीक है, अब 20 मई तक सेकंड लिस्ट भी आ गई। अब एक चीज इसमें यह है कि अगर मैंने फ्लोट का ऑप्शन एक्सरसाइज किया सेकंड लिस्ट में भी, तो मेरे को किसी कॉलेज की फीस नहीं देनी है अभी, ठीक है। मान लो मेरे को अभी भी सेकंड लिस्ट में भोपाल मिला तो मेरे को वो 1.5 लाख रुपए नहीं देने, इफ आई एम चूजिंग टू फ्लोट, दैट इज इफ आई वॉन्ट टू अपग्रेड टू हायर NLU, ठीक है। बट अगर मैंने फ्रीज कर लिया होता तो इसका मतलब है कि भाई मेरे को भोपाल ही जाना है, 1.5 लाख रुपए दो, अपना खत्म करो 20 मई तक, ठीक है, बट नहीं, मेरे को वहां नहीं जाना था। अब आती है आपकी थर्ड लिस्ट, ठीक है। अब मान लो मेरे को थर्ड लिस्ट में भी भोपाल में ही मिलता है, मैं अभी भी अपग्रेड नहीं हो पाया हूँ फ्लोट के थ्रू, तो अब अगर मेरे को आगे फर्दर स्टिल फ्लोट कंटिन्यू करना है अपने पोर्टल पे, तो मेरे को जो रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फीस है वो थर्ड लिस्ट में मेरे को पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं कन्फर्मेशन पे कर चुका हूँ, मैं काउंसलिंग पे कर चुका हूँ, जो बची हुई 1.5 लाख रुपए मेरे को थर्ड लिस्ट में देनी पड़ेगी। थर्ड लिस्ट में इन्होंने कहा है कि जो आपकी, जैसे मान लो 25 मई को जो आपकी थर्ड लिस्ट पब्लिश होने वाली है, उसके बाद आपको पे करने का ऑप्शन मिलेगा यूनिवर्सिटी फी का 25 मई से 30 मई तक, ठीक है। अब इसमें इन्होंने एक चीज और भी कही है कि ये जो डेडलाइन है वो यूनिवर्सिटी सेट करेंगे अपने हिसाब से थर्ड और फोर्थ फिफ्थ के लिए, तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना कि तुम्हारी जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो तुमको मिल रही है अलॉटमेंट में वो क्या डेडलाइन रखती है, उसको थोड़ा फॉलोअप करते रहना, ध्यान देते रहना उस चीज का, ठीक है।
तब तुम्हें 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। अब तुम्हें फ्लोट करना है, फ्रीज करना है, फ्रीज करना है ठीक है, मेरे को थर्ड लिस्ट में भोपाल, मैं कह चलो ठीक है मेरा हो गया, मेरे को आगे चाहिए नहीं, मैं यहाँ खत्म करता हूँ, ठीक है मेरे को पूरी फीस दे देनी है, एज एज हैपन टू बी द केस इन द फर्स्ट और सेकेंड वाला। बट मेरे को अगर अगर फ्लोट भी करना है अभी, तो भी मेरे को सारी फीस आगे की देनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं फ्लोट करता हूँ थर्ड लिस्ट में, मैंने भोपाल की सारी फीस भी भर दी। अब क्या होगा, मान लो अब मैं NUJS में जाता हूँ, अब अगर NUJS की फीस मान लो 2.5 लाख रुपए, जो 2 लाख से ज्यादा है, तो मैं जैसे ही फोर्थ लिस्ट में NUJS में अपग्रेड होऊंगा, मेरे को फोर्थ लिस्ट आएगी कब, फोर्थ लिस्ट आ रही है हमारी 5 जून को, तो अब 5 जून से 10 जून का, या फिर जो NUJS डेडलाइन सेट करेगी, उस अमाउंट तक मेरे को 50,000 रुपए जो ऊपर की फीस है वो पे करनी है। बट मान लो अगर जिस NLU में तुम ऊपर वाले में जा रहे हो, उसकी फीस तुम्हारे नीचे वाले NLU से कम है, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपको कंसोर्टियम, या फिर जो आपको जो रिस्पेक्टिव NLU, उन्होंने बोले कि जो आपके रिस्पेक्टिव NLU, आप उसको अप्रोच करोगे, आप कहोगे कि भाई आपने इसकी इतनी इतनी फीस दी थी, आपकी कॉलेज की फीस इतनी कम है, तो ये जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको रिफंड कर दे, वो आपको रिफंड आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका प्रोसेस चलता रहेगा। तो बेसिकली थर्ड लिस्ट में अगर आपको मिलता है, तो आपको सारी फीस उस कॉलेज की देनी पड़ेगी जो आपको मिलता है। उसके बाद आप ऊपर जिस तरह से जाते रहोगे, जो भी डिफरेंस आता रहेगा वो आपको मिलता रहेगा, या फिर अगर ज्यादा होगा तो आपको वो उस प्रोसेस में देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा होगा प्रोसेस। अब फिफ्थ लिस्ट में क्या होगा कि आपको फाइनली फ्रीज करना पड़ेगा। अगर आप फ्रीज नहीं करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट माना जाएगा कि आप एग्जिट कर रहे हो प्रोसीजर से। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप फ्लोट करे जा रहे हो, तो आप फिफ्थ में जाके फ्रीज कर देना जो भी सीट मिले। मान लो आपको भोपाल ही मिल रही है 5 लिस्ट से, तो कर देना भोपाल, ठीक है, नहीं तो भोपाल की सीट छूट जाएगी, खाली मानी जाएगी। अब जब भी 5 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग आपके खत्म हो जाएंगे, तब आएगा आपका वैकेंसी, ठीक है। अब ये रिस्पेक्टिव NLU अपना अपना कराते हैं, ऊपर वालों में एक दो सीट बचती है, बट नीचे वाले तक आते हुए शिमला, जबलपुर, सोनीपत, इनमें बहुत सीट्स बची होती है, ठीक है। फिफ्थ राउंड के बाद भी बहुत सीट्स कई बार बची होती है, ठीक है। तो फिर ये अपना अपना अलग वैकेंसी का प्रोसेस निकालेंगे। जब ये सारे आपके फिफ्थ राउंड खत्म हो जाएगा, आपका फिफ्थ राउंड 20 जून को खत्म हो रहा है, तो आप एक्सपेक्ट करो लास्ट वीक ऑफ जून एंड टिल मिड ऑफ जुलाई आपका वैकेंसीज का ही गेम चलता रहेगा भाई। वैकेंसीज तो कई बार अगस्त सेप्टेम्बर तक भी चलती रहती है, ठीक है। बहुत लोग बहुत लेट भी सेमेस्टर में एंट्री मारते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके 5 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग एंड दी वैकेंसी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द रिफंड पार्ट, सिंपल थिंग, कन्फर्मेशन की फीस नहीं मिलनी है, 20,000 रुपये नहीं मिलने अगर आपने पे कर दिए, तो आप अगर किसी कॉलेज जाते हो तो वहाँ आपकी वो एडजस्ट हो जाएगी, नहीं जाते तो वो रिफंड नहीं आने वाला है, ठीक है। दिस इज एज पर द इन्फॉर्मेशन दैट इज इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। बट काउंसलिंग फीस का क्या है कि इन्होंने कहा है कि अगर आपको मान लो आपने काउंसलिंग फीस पे करी थी 30,000 और आपको 5 राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिलता, कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो फिर आपको क्या है, पूरी की पूरी काउंसलिंग फीस 5th राउंड के खत्म होने के बाद रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। सेकंड सिनेरियो, आपको कोई कॉलेज मिलता है, ना आप फ्लोट चूज करते हो ना आप फ्रीज चूज करते हो, आप क्या बोलते हो कि भाई मेरे को एग्जिट करना है, आपने एग्जिट किया तो आपको पूरी की पूरी काउंसलिंग फीस मिल जाएगी, आपने ऑब्वियसली कंफर्मेशन फीस वहां पे करी ही नहीं है, ठीक है, खत्म। अब तीसरा सिनेरियो, आपने फ्लोट और फ्रीज को एक्सरसाइज किया था। अब इसमें 2 केस होंगे। इन्होंने कहा कि अगर आपने फ्लोट और फ्रीज खेला, उसके बाद अगर आपने June 10, 2023 के रात के 10:30 बजे 10:30 PM तक एग्जिट कर लिया, तो हम आपको पूरी की पूरी काउंसलिंग फीस दे देंगे। अगर आपने उसके बाद एक्सरसाइज किया, तो हम 5,000 रुपये डिडक्ट करके देंगे। और उसका पर्पस बेसिकली यही है कि June 10, 2023 को जो आपकी फोर्थ लिस्ट है उसकी डेडलाइन है, ठीक है। तो अगर आप फोर्थ लिस्ट के खत्म होने से पहले ही बता दोगे, तो उनको बेटर आइडिया रहेगा कि फिफ्थ लिस्ट का अलॉटमेंट कैसा करना है। अगर उसके आप बात करते हो, तो ऑब्वियसली वो सीट उनकी फिर वैकेंसीज में कंसिडर होने वाली है। दैट इज वाई आई सी दे आर डिडक्टिंग 5,000 रुपीज आउट ऑफ दैट, ठीक है। अभी पूरा रिफंड का हो गया, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर द UG प्रोग्राम आपकी 10th की मार्कशीट कंपलसरी है, 2023 का एडमिट कार्ड कंपलसरी है, वही चाहिएगा जिसपे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, नहीं है हमारे ने नहीं किया, मोस्टली मेरे को लगता है कि ज़्यादा कंसिडर होता नहीं है, ज़्यादा इशू आता नहीं है उसमें, ठीक है। उसके बाद आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है, PWD सर्टिफिकेट, या फिर कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट, या फिर इफ यू आर वोट्स ऑफ यू नो डिफेंस पर्सनल, तो ऐसे कोई जो सर्टिफिकेट्स है, दीज आर कंपलसरी टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके, वो पूरा प्रोसेस रहेगा वेरिफिकेशन का रिस्पेक्टिव NLUs के साथ, जो आपकी स्टेज होगी जिस राउंड में आप सिलेक्ट होते हो, उसके बेसिस पे वो होता रहेगा, ठीक है। ये कंपलसरी है। बाकी इन्होंने जो आपकी 12th की मार्कशीट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है, ये कंपलसरी नहीं है, ऑब्वियसली कंसिडरिंग दैट देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर येट टू राइट देयर बोर्ड एग्जाम, सो दैट इज वाई इट्स नॉट कंपलसरी,
ठीक है, दैट इज फॉर द डॉक्यूमेंट्स। कैलेंडर के बारे में मैंने पूरा डिस्कस कर ही लिया है कि आपकी फिफ्थ लिस्ट आपकी आप जून 15 तक कंसिडर होने वाली है, जिसके बाद आपको 15 से 20 जून तक फिफ्थ लिस्ट में आपको पूरा ऑप्शन एक्सरसाइज करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको अब समझ आया होगा कि भाई फ्लोट का मतलब क्या है, फ्रीज का मतलब क्या है। फर्स्ट और सेकंड राउंड आपका मई 20 तक खत्म हो रहा है, फिर उसके बाद कितना जल्दी जल्दी थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड हो रहा है। थर्ड राउंड में आपको पूरी फीस पे करनी है। फर्स्ट और सेकंड राउंड में अगर आप फ्लोट करते हो तो आपको सिर्फ अभी कंफर्मेशन फीस पे करनी है। तो सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि कहाँ पे किस स्टेज पे क्या करते हैं तो कितनी फीस देनी है। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द एंटायर काउंसलिंग प्रोसीजर ऑफ क्लैट 2023। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, अभी भी कोई डाउट है, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम। आई एम अटैचिंग माई टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। Also, I have launched an initiative by the name of CLAT Shastra. So, if in case if you are aiming to, you know, again, sit for CLAT 2024 or really 2024, do join that particular channel. I'll be launching my detailed program and that would be very, very affordable. So, you can be a part of that. So, do join the Telegram channel as well. I'll be providing the link of that in the description itself. In case if this video helped you, do consider liking this video. Do comment in case if you have any queries, if you have any suggestions for any videos to make. And do subscribe this channel if you want to watch more videos related to CLAT, ALIT or anything related to law in general. Till then, bye-bye. See you in the next video.